बच्चों, आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी गतिविधि होने जा रही है। देख रहे हैं अभिषेक खड़े हैं दो बलून लेके ना। अच्छा, तो हम आपसे एक सवाल करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए, हमें एक टाइम पे एक काम करना चाहिए कि एक टाइम पे दो काम करना चाहिए? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं हमें एक टाइम पे एक काम करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं दो काम करना चाहिए, है ना? तो आइए देखते हैं कौन सा वाला काम हमें अच्छा, मतलब हमारे लिए अच्छा होता है। एक टाइम पे एक काम करना चाहिए वो अच्छा होता है कि एक टाइम पे दो काम करना चाहिए? हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य एक टाइम पे दो होना चाहिए? ठीक, तो इस गतिविधि के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे। तो आप सब देखिए, अभिषेक के हाथों में दो बलून है। अभिषेक, आपको इस बलून को हवा में ऐसे उछालना है और इनको संभालना है, गिरने नहीं देना है। ठीक, देखते हैं हम लोग ये मतलब ये आप कितनी देर तक संभाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए, उछालते रहिए। देखिए, आप लोगों ने देखा कि अभिषेक ने दो गुब्बारे को संभाल नहीं पाया, बहुत जल्दी गिर गया ना। अब अभिषेक के हाथ में एक बलून है, देखना ये इसको कितनी देर तक संभाल के रख पाते हैं। ठीक, चलिए उछालिए। हाँ, उछालते रहिए। अच्छा बच्चों, बताओ अभिषेक दो गुब्बारे को देर तक संभाल लेते हैं कि एक गुब्बारे को? एक गुब्बारे को ज्यादा देर संभाल पा रहे हैं ना, मतलब इनको हम एक टाइम पे अगर एक काम देंगे तो ये ज्यादा अच्छा करेंगे। या आप लोग भी एक टाइम पे एक काम ज्यादा अच्छा करोगे, करोगे ना? और अगर हम एक टाइम पे आपको दो काम दे दें तो थोड़ा कम अच्छा करोगे, है ना? तो इस गतिविधि से हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें एक टाइम पे हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट एक होना चाहिए, है ना? हमारा लक्ष्य एक टाइम पे दो नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें होती है जो हम एक साथ कर सकते हैं, दो दो काम, लेकिन अगर हम एक टाइम पे एक ही काम करते हैं तो हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना, और उस काम में हमें सफलता भी मिल सकती है, है ना? तो इससे आप लोगों ने क्या सीखा, इस गतिविधि से क्या सीखा आप लोगों ने? हाँ, एक समय पे हम एक काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उस काम को बहुत मन से और अच्छे से सतर्क होके करते हैं तो काम हमारा बहुत अच्छा होता है और हम उस काम में सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो मजा आया आप लोगों को? थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।